हेलो एवरीवन सो आई होप मेरी वॉइस सबको ठीक आ रही होगी ओके okay. तो ये एन सी का आज का डे टू सेशन है बेसिकली और आई होप आपने कल का सेशन ज्वाइन किया होगा इसमें थियोटिकल हम लोग सिर्फ बात किया था कि एन सी का पूरा इंट्रोडक्शन क्या होता है और इसका पूरा आर्किटेक्चर कैसे काम करता है कौन कौन से टर्म्स हैं जो कोर्स में यूज़ करूंगा मैं ये डे वन में अप कर चुका हूँ राइट right? जो यूट्यूब से आप लोग उसको एक्सेस uh, करके वहां से उसको वॉच uh, कर सकते हो राइट right? तो इन डे टू आज का जो ऑब्जेक्टिव है लेट मी द स्क्रीन आई होप आप सबको मेरी स्किन दिख रही होगी विजिबल प्रॉपरली राइट right? तो आज मैंने राइट किया हुआ है कि डे वन में इंट्रोडक्शन अबाउट एनसीबल वी हैव कंप्लीटेड प्रोपरली और यूनिट वन के अभी दो ऑब्जेक्टिव रिमेनिंग हैं जो आज मुझे बाइंड अप करने होंगे जिसमें सबसे पहले वी विल कवर लैब सेटअप इसका पूरा एनसी का सेटअप कैसे बनेगा प्रैक्टिस करने के लिए ये आज का पहला पॉइंट होगा देन हाउ टू स्टॉल एन ऑन सर्वर लेवल ये आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा राइट right? uh, कुछ क्वेरीज हैं आप लोगों की तो मैं आज uh, मुझे बीच में टाइम मिलेगा तो मैं इंटरेक्टिवली आपसे बात करता हूं आज चैट के ऊपर ठीक है तो अभी आई थिंक अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको फिर ओके तो आज का मेन ऑब्जेक्टिव आपका लैब सेटअप हाउ टू तो प्रिपेयर लैब सेटअप फॉर एन जैसा कल मैं आपसे बोल रहा था कि जनरली एन एक सर्विस है और इसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए एक ओवैस चाहिए मुझे जहाँ मैं एनसी डाल के और अपने कंपनी के सर्वर्स को ऑटोमेट कर पाऊंगा राइट तो इसका जो लैब सेटअप बनाने का जो ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास अभी मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ पहला ऑप्शन होगा क्या क्लाउड बेस्ड लैब हम लोग इसकी सेटअप कर सकते हैं राइट और जिसको अभी क्लाउड का इतना नॉलेज नहीं है वो सेकंड जो ऑप्शन है मेरे पास अवेलेबल जो मैं इसके बाद बाइंड अप करूंगा उसको बोलते हैं हम लोग लोकल लैपटॉप में भी इसकी लैब हम लोग सेटअप कर सकते हैं राइट right? सिंपल सा लैब का मतलब हमको प्रैक्टिस करने के लिए थ्री सिस्टम होने चाहिए right? मास्टर सर्वर और दो सिस्टम को आई विल एक्ट एज मैनेज नोड देशन मैं मानूंगा मेरा वो है, है, मुझे वहां कुछ टास्क करने पड़ते हैं वाया राइट right? तो बेसिकली थ्री मशीन्स एटलीस्ट हमारे पास प्रैक्टिस में होनी चाहिए ठीक है कल मैं आपसे बोल रहा था कि तीनों मशीन्स में आप लोग आ, मैं जो एग्जाम्पल लूंगा अभी वो लिनक्स वेस्ट लूंगा तो तीनों मशीन के अंदर आप लोग आर एच एल सेवन सेंटो सेवन रैल एट कुछ भी आप सेटअप कर सकते हो राइट right? तो पहले स्टार्ट करते हैं क्लाउड सेटअप से पहले क्लाउड में इसकी एनसीबी की लैब हम सेटअप कैसे करेंगे ठीक है क्लाउड में आई होप क्लाउड कंप्यूटिंग का इन डेप्थ मैं बात नहीं करूंगा थोड़ा बहुत आपको मालूम भी होगा क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली एक सर्विस है कि द uh, इंटरनेट हम किसी और कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर पा रहे हैं हम लोग किसी और कंपनी के डेटा सेंटर को जब हम इंटरनेट पर यूज कर पाते हैं तो उसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोल देते हैं राइट right? और वो इंफ्रा प्रोवाइडर के नाम सब जानते होंगे आप लोग जैसे अमेजन क्लाउड गूगल क्लाउड अजोर क्लाउड ये वो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जो अपना डेटा सेंटर आपको इंटरनेट पे प्रोवाइड करके देते हैं और हम उसको एज एंड यूज़र यूज कर सकते हैं बस तो सिंपल सा अभी मेरे केस में जो मैं आपको सेटअप बना रहा हूं ना वो क्लाउड होगा अमेजन राइट हमें अमेजन को इनडेप्थ नहीं पढ़ना है सिंपल ऐसा मानो कि वी नीड थ्री मशीन वो तीन मशीन में लोकल लैपटॉप में सेटअप ना करके अभी वी आर स्पिनिंग इन साइड द अमेजन डेटा सेंटर एक मशीन को एक्ट एज एनसीबल सर्वर और दो मशीन को एक्ट एज एनसीबल मैनेज नोड फॉर प्रैक्टिस राइट तो इस लैब को करने के लिए आ, आप सबके पास पहले अमेजन क्लाउड का अकाउंट होना चाहिए जो मैं इस सेशन में बाइंड नहीं कर रहा हूं अकाउंट अप करना बहुत इजी स्टेप होते हैं नेटवर्क क्लाउड का जो YouTube अपना चैनल है वहां भी कुछ रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है वहां से भी आप साइन अप कर सकते हो अकाउंट स्टेप बाई स्टेप राइट तो मेरे केस में ऑलरेडी अकाउंट साइन अप हो रखा है बस आई हैव टू लॉग इन राइट? तो लॉग इन करने के लिए आ, आप सबको मालूम होगा लेट्स मी ओपन ब्राउजर सिंपल सा पहले मुझे अमेजन के डेटा सेंटर को कनेक्ट करना होगा ठीक है तो सिंपल गूगल पे जाना है आप लोगों को सिंपल टाइप कर देना ए डब्लू एस लॉइन कंसोल लॉग इन कंसोल राइट ओके सो इन राइट कॉर्नर आपको दिख रहा होगा ये ऑप्शन दे रहा है कि आइर यहां से आपको इसी पे क्लिक करना होगा साइन इन इन टू द कंसोल और यहाँ बेसिकली दो ऑप्शन अवेलेबल होंगे एक तो अकाउंट साइनअप करने का जो आपके पास अगर नहीं है तो यू कैन फॉलो मेरे पास अकाउंट ऑलरेडी पहले से बना हुआ है तो यहाँ से मैं अपना लॉग नेम टाइप कर रहा हूँ तो दो सेकेंड के लिए मैं स्क्रीन को अनशेयरिंग कर दे रहा हूँ फॉर द सिक्योरिटी पर्पज यहां से मैंने अपना जो भी अकाउंट है वो टाइप कर दिया तो सिंपल सा जिसमें एक लॉगिन आईडी है मेरा अपना एक पासवर्ड होगा वो मैं टाइप कर दे रहा हूँ जिससे AWS एस में लॉग इन हो जाएगा मेरा ठीक है अमेजन का आपको आइडिया नहीं है तो थोड़ा वेट करो लोकल सेटअप भी हम रेडी करेंगे इसका ओके सो हैव लॉग इन दिस इज अमेजन कंसोल राइट तो इन डेप्थ ज्यादा बात नहीं करूंगा बस इसमें लॉग इन करने के बाद सबसे पहले यू हैव टू रीच योर रीजन यहाँ से आपको अपना रीजन जो होगा ना आई I मीन mean, रीजन क्या होता है आप इतना इतना मानो अभी आप लोग अमेजन का डेटा सेंटर्स बेसिकली क्या है मल्टीपल प्लेस पर अवेलेबल है यू एस में अवेलेबल है उसमें अभी नॉर्थ वर्जिनिया है ओहाई कैलीफोर्निया राइट तो रीजन का बेनिफिट क्या है जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ते हैं इन डेप्थ तो बेस्ट रीजन कैसे चूज करते हैं ये टॉपिक वहां का होता है बेसिकली बट अभी प्रैक्टिस करने के लिए मेरे नियरेस्ट जो रीजन पड़ता है वो मुंबई है तो अकॉर्डिंगली आई एम टेकिंग मुंबई रीजन राइट अब रीजन में क्या होता है मल्टीपल सर्विस अमिजन दे रहा है आप लोगों को स्टोरेज दे रहा है आप लोगों को नेटवर्किंग दे रहा है बैलेंसर दे रहा है फायरवॉल दे रहा है आपको बट वी वॉन्ट मशीन सर्वर वी लिनक्स सर्वर तो सर्वर्स की जब बात करते हैं तो सर्विस का नाम है ए टू काफी लोगों ने सुना भी होगा इलास्टिक कंप्यूट बोलते हैं तो टू बेसिकली प्रोवाइड सर्वर्स इन अमेजन क्लाउड सर्वर्स आपका बेंडो का हो सकता है या लिनस का हो सकता है मैटर नहीं करता ओके okay, तो मैंने ई सी टू को ओपन किया हुआ है और एक स्टांस मेरे अकाउंट में पहले से ऑलरेडी बना हुआ है राइट right? मैंने किसी परपज के लिए सेटअप किया होगा तो इसको मैं स्किप कर सकता हूँ बी एम भी बोल सकते हो राइट सो हाउ टू मेरे जब मैं बी सेटअप करूंगा ना तो जो स्टेप काम काम के हैं, मैं बताऊंगा आपको बट इसका पूरा इनडेप जो है ना वो अप नहीं करूंगा मैं। क्योंकि वी आर लर्निंग एनसीबल हमको बस मशीन चाहिए उस उस पॉइंट के लिए खाली बस हम लोग क्लाउड को यूज करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास लोकल इंफ्रा नहीं है सामानों प्रैक्टिस करने के लिए राइट right. तो इन राइट right कॉर्नर आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन दे रहा है लॉन्च स्टांस का ऑप्शन आ रहा है ठीक है तो यहां से हम लोग एक स्टांस प्रोविजन कर सकते हैं क्लिक ऑन स्टांस लॉन्च स्टांस राइट आई होप आपको मालूम होगा क्लाउड कंप्यूटिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इनिशियल लेवल से इंस्टॉल ही करना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज होती है ना क्लाउड कंप्यूटिंग पहले से पड़ी होती है ऑलरेडी यू हैव टू चूज ओनली कि यू वांट लिनक्स विंडो क्या आपको चाहिए इंस्टॉलेशन फ्रेश करने की आपको नीड नहीं है राइट right? तो जनरली uh, कल मैंने आपसे बोला था कि ये जो ट्रेनिंग हो रही है ना एच पर्दा ई एक्स किसी को इन फ्यूचर एनसी का एग्जाम राइट करना है तो जिसका नाम 294 था तो 294 के एग्जाम में रेडेड दे आर यूजिंग आर एच एट तो वैसे तो एनसीबल कहता है कि मैं रेल एट रेल सिक्स रेल सेवन सब में सेम काम करूंगा राइट right? बट अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रेल एट की बीएम सेटअप कर रहा हूं आपके पास रेल एट अवेलेबल नहीं है तो आप लोग सेंटो से भी काम कर सकते हो ओवंतु से भी आप काम कर सकते हो फ्लेवर शुड बी इनैक्स राइट तो यहां से मुझे करना क्या है आई होप आपको दिख रहा होगा ये रेल एट की ई एम है अमेजन मशीन को ए एम आई बोलता है ए एम आई अमेजन मशीन इमेज राइट तो मैंने इस इमेज को यहां से सेलेक्ट किया और क्लिक किया नेक्स्ट सो वी आर प्रोविजनिंग रेल एट मशीन ऐसा मानो आप देर इज समू लेट मी चेक अगेन सेलेक्ट राइट कुछ प्रॉब्लम थी अगेन मैंने उसको सेलेक्ट किया है ओके सो अमेजन देन आपसे पूछ रहा है कि जो सर्वर यू वॉन्ट टू स्पिन अप इन इन माई डेटा सेंटर उस सर्वर का हार्डवेयर कितने का होगा राइट right? तो वो एक अलग साइट होती है सर आप हार्डवेयर आप यहाँ पर एटलीस्ट मैंने आपसे बोला है अभी कि प्रैक्टिस करने के लिए एक एनसीबल सर्वर होगा उसके ऊपर आप लोग अभी मिनिमम वन जी बी रैम वन सीपी टेन जी बी हार्ड डिस्क ये इनफ है अभी प्रैक्टिस के लिए मेरा सर्वर होगा उसके ऊपर मैं ये वाला कॉन्फिगेशन लेकर चल रहा हूँ अभी राइट या लोकल में भी और क्लाउड के अंदर भी लेकिन एक डाउट आता है आप लोगों का कि प्रोडक्शन में मेमोरी रिकमेंडेड क्या करते हो आप लोग ठीक है तो थोड़ा सा ये इंटरव्यू पॉइंट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को एनसीवल कंट्रोल नोड का मेमोरी सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा प्रोडक्शन में ऐसे आप जनरली नहीं बोल सकते ऐसे आप गैस नहीं कर सकते

लाइक टिल फिफ्टीन तक है वन से लेके फिफ्टीन तक है तो आठ जी बी मेमोरी इनफ होता है राइट एट जी बी रैम क्या होता है इनफ होता है उसके बाद अगर आपका फिफ्टी टू हंड्रेड है तो मल्टीप्लाई कर दो फिर आप लोग एट प्लस एट सिक्सटीन जीबी मेमोरी होना चाहिए अगर आपका हार्ड आपका जो फोर के वन फिफ्टी है तो फिर वही थर्टी टू जीबी या ट्वेंटी फोर के आसपास तो इस तरह से स्लेब सेट ऑलरेडी आठ जीबी रैम चार सीप्यू फिफ्टी फोर के लिए हो गया राइट हंड्रेड फोर के तो सिक्स जी मेमोरी एट सी प्यू इस टाइप से क्या होता है रिसोर्स प्लानिंग करते हैं कंट्रोल नोड के ऊपर हार्ड डिस्क यूटिलाइजेशन एनसीबल में कुछ होता नहीं है क्योंकि एनसीबल ये कहता है कि आई बेसिकली परफॉर्म दी टास्क ऑन मैनेज नोड तो कंट्रोल नोड पर ना कोई डिस्क यूटिलाइजेशन बहुत हैवी नहीं है आप लोगों का मैं उन चेंजेस को यहाँ पे बैकअप क्रिएट नहीं करता उनका तो हार्डली सिस्टम में फोर्टी जीबी हार्ड डिस्क है ट्वेंटी जीबी हार्ड डिस्क है इनफ होती है जो हम ओएस के लिए यूज करते हैं बस एनसी बल का कोई अपना फाइल सिस्टम इसे कंज्यूम नहीं करता अलग सेपरेटली तो डिस्क के बारे में बहुत केयरिंग नहीं करते ऑन प्रोडक्शन सिर्फ मेमोरी सीपी की प्लानिंग ठीक कर देते हैं एज पर वैल्यू बट वी आर ऑन लर्निंग स्टेज तो लर्निंग स्टेज के लिए मिनिमम वन जी बी रैम इनफ होती है प्रैक्टिस करने के लिए ऑन ईच मशीन कंट्रोल नोड पे भी और

राइट right? तो अमेजन कहता है कि एक टाइम पर मैं मल्टीपल बी सेटअप कर सकता हूँ इट्स अ क्लाउड ब्यूटी तो यहां से मैंने क्या किया मुझे इस स्टेप को रिपीट बार बार ना करना पड़े मैंने एक साथ तीन बी एम से स्पिन कर दिए एक मास्टर नोड और दो मैनेज नोड जिनको मैं लेटर ऑन यूज करने वाला हूँ वेन वी विल कुछ देश राइट ओके रिमेनिंग सेटिंग्स आप काम की नहीं होती है अभी ये जब हम इन डेप्थ क्लाउड पढ़ते हैं तो वहाँ नेटवर्किंग का मतलब क्या है सबनेटिंग का मतलब क्या होता है ये रिमेनिंग पॉइंट्स वहां डिस्कस होते हैं अभी मेरे काम का पॉइंट कोई भी नहीं बोलने वाला जस्ट वी आर स्पेनिंग थ्री मशीन राइट सो अमेजन रिकमेंड कर रहा है कि एटलीस्ट स्टोरेज पर में आपको दे रहा इट्स रूट डिस्क ऑफ योर सर्वर हमें एड ऑन स्पेस की नीड ही नहीं है राइट right? तो टेन जीबी डिफॉल्ट आप छोड़ के आगे बढ़ सकते हो क्लिक ऑन नेक्स्ट यहाँ कोई ऑप्शन आपको चूज नहीं करना है क्लिक ऑन नेक्स्ट सो ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड फाइव स्टेप

तो सिक्योरिटी ग्रुप में जो जो पोर्ट आप डालोगे बस वही कनेक्शन आप बिल्डअप कर सकते हो उसके अलावा कोई पोर्ट को बाहर से रीच नहीं कर सकते राइट right. तो क्लाउड बोल रहा है कि आई एम क्रिएटिंग वन सिक्योरिटी ग्रुप एंड आई एम पुटिंग वन पोर्ट ट्वेंटी टू पोर्ट ऑटोमेटिकली विच इज अलाउ फॉर ऑल नेटवर्क सर इसने ट्वेंटी टू पोर्ट बाई डिफॉल्ट डाल दिया क्यों क्योंकि ये समझ गया कि यार ये मशीन जो है ना वो लिनक्स बेस्ड है और लिनक्स सर्वर को लॉग करने के लिए एट लीस्ट लीनेक्स ऑन आप सबको मालूम होगा एस 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 प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन क्या बोल रहा हूं मैं वेन यू बिल लॉग इन ऑन कंट्रोल नोड जब मैं अपने लैपटॉप से बैठ के इस कंट्रोल नोड पर जाऊंगा ये मेरी कंपनी का एनसीवल सर्वर है राइट ये मैनेज नोड है जो बाद में काम में आना होगा ये मेरा अपना वर्क स्टेशन लैपटॉप है जो मैं घर से बैठा हु जब मैं सिस्टम पर लॉग इन करूंगा ना तो इसमें जो कनेक्शन लूंगा मैं पोर्ट लूंगा तो फायर वॉल में सिक्योरिटी राइट right? मेरा आईपी क्या है मुझे पता नहीं जिस सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को तो यहाँ पे मैंने जीरो जीरो कर दिया है इसका मतलब वी कैन एक्सेस फ्रॉम ऑल नेटवर्क तो डिफॉल्ट नेटवर्क आ जाएगा अपने आप कुछ भी यहाँ पे करना नहीं है आप लोगों को क्लिक कर देना है नेक्स्ट फाइनली ऑल स्टेप हो चुके हैं। एक स्टेप और बचा हुआ है जब आप launch पे क्लिक करोगे, तो आपसे एक बात पूछ रहा है: की right? एक सर्वर को लॉग इन करने के दो मेथड होते हैं या तो वाया पासवर्ड या वाया एक्सेस की राइट तो क्लाउड कहता है कि मेरे अंदर कुछ सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स डिफॉल्ट किसी सिस्टम का आपको डिफॉल्ट पासवर्ड सेट करके नहीं देता करने का आपको एक प्राइवेट की दूंगा और जब जब उस सर्वर पे आप लॉग इन करना चाहते हो आप उस प्राइवेट की को यूज कर लेना तो मैं आपसे पासवर्ड नहीं पूछूंगा प्राइवेट की और पब्लिक की लिनेक्स में और विंडोज में सम में कंसेप्ट होता है राइट तो पूछ रहा है कि तुम्हारे पास क्या ऑलरेडी यू हैव जनरेटेड सम प्राइवेट पब्लिक की दोबारा बोल दे रहा हूँ ये हमारे लिए एक प्राइवेट की देगा डाउनलोडिंग फोल्डर के अंदर और पब्लिक की को ऑटोमेटिकली विल इनसाइड इन साइड जिसको करने की आपको नीड नहीं है जैसे आप बीएम को स्पिन करोगे फाइनली अभी तो एक पब्लिक की तीनों मशीन में इंपोर्ट हो जाएगी अपने आप जाके एक ही की और उसका प्राइवेट पेयर डाउनलोडिंग होकर आपको लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा जिस प्राइवेट पेयर को आई विल यूज जब मैं सर्वर पर लॉग इन करूंगा बाद में क्योंकि इस सिस्टम का को भी मेरे पास पासवर्ड नहीं है हाँ एक बार लॉग हो गया फिर अपनी रिस्क पे चाहो तो आप लोग इसमें कोई पासवर्ड पासवर्ड सेट कर सकते हो राइट बट डिफॉल्ट डिफॉल्ट क्लाउड प्रोवाइड तो ठीक है मेरे पास की ऑलरेडी है अवेलेबल बट uh, मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके साथ माइट भी कोई की अवेलेबल ना हो तो यहां से बस करना कि आपको एक न्यू की बेल्डअप करनी होगी वी आर स्पिनिंग न्यू की राइट मैंने इसका नाम लिया एनसीबल फ्री सेसंस राइट और इस पर क्लिक करने के बाद मुझे क्या मिला एक मेरे डाउनलोडिंग फोल्डर में एनसीबल फ्री डॉट पे नाम का एक प्राइवेट की मिल गया मुझे इस की को मैं अभी यूज करने वाला हूँ तो फाइनली ऑल स्टेप नाउ देन जस्ट इन लास्ट यू हैव टू क्लिक लॉन्च स्टांस तो आपके तीन सर्वर एक सेकंड में क्या हो गए बॉस स्पिन हो गए देन स्टांस uh, पे आपको जाना होगा ये तीनों मशीन यहां से आपको विजिबल हो जाएंगी वी आर गेटिंग थ्री सर्वर हेयर राइट मीनिंगफुल फुल मैं इनका एक नाम चेंज कर देता हूं कि इस सिस्टम को आई विल एक्ट एनसी वर्वर एनसीवल सर्वर सॉरी कुछ हो रहा है एक मिनट ये एनसीबल नोड वन हो गया और ये हो गया आपका नोड वन आई थिंक इसमें कुछ टैप काम कर रहा है अपने आप और ये हो गया मेरा नोड टू राइट ठीक है तो एनसीबल इंस्टॉलेशन में करूंगा बट उससे पहले लेट्स सी हाउ टू कनेक्ट क्लाउड मशीन आपको मालूम भी होगा क्लाउड की बीजम कैसे करते हैं कनेक्ट हम लोग तो फाइनली अभी मुझे दो मशीन को टच नहीं करना है मीन टाइम चाहो तो उसको आप बंद भी कर सकते हो अभी मुझे जो मेन फोकस करना है वो ऑन एनसीबल सर्वर क्योंकि मुझे अभी अभी इंस्टॉलेन पढ़ाना होगा तो पहले एनसीबल नोड पर जाना जरूरी है मेरे लिए नॉट ऑन मैनेज नोड सो हाउ टू कनेक्ट क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको मशीन की नेटवर्किंग करनी नहीं पड़ती है आप सबको मालूम होगा क्लाउड में जब आप बी को स्पिन करते हो तो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो स्विच है बैकेंड में वो तुम्हारे मशीन पर दो आईपी बाय डिफॉल्ट एलोकेट कर चुका है क्या डिफरेंट होता है बट बट अभी सिंगल लाइन बात करूं मैं जब क्लाउड के इंफ्रा से बाहर से बैठ के जैसे मैं घर बैठा हूं अपने और क्लाउड मुझे पता नहीं कहाँ चल रहा है मुंबई में स्टेबल है सो ऑब्वियसली आई विल यूज पब्लिक आई पी टू लॉग इन माई स्टांस और जब मेरे एन सी बल सर्वर यानी वैन देविल चर जब ये आपस में बात करेंगे तो करेगा, तो मैनेज नोड का जो प्राइवेट आई पी होगा ना वो तुमको एनसीबल कंट्रोल नोड पर डालना पड़ेगा लेकिन मुझे अभी मेरे वर्क स्टेशन मशीन से बैठ के घर वाले लैपटॉप से बैठ के मुझे इस नोट पर जाना है तो आई विल यूज एज ए पब्लिक आई पी आई होप आपको समझ आया होगा तो ये एक मेरे का पब्लिक आईपी है यहां से मैंने कॉपी किया लेकिन आपका जो लैपटॉप है और विंडो मशीन से यू वांट टू कनेक्ट लिनक्स सर्वर। सो दे पहला मेथड ये है कि आप अपने विंडो का सीएमडी ओपन करो पहले ये है पहला मेथड। राइट इसका साइज आपको दिख रहा होगा कि नहीं राइट right. तो ये मेरा विंडो का लैपटॉप है और मैं इसका पापर जो, इसका जो सी एम डी होता है ना ओपन कर लिया है तो सबसे पहले मुझे करना क्या है पहले मेरी प्राइवेट की जिस बात के अंदर पड़ी है मुझे सी डी कमांड से जाना होगा सो नाउ वी आर इन डाउनलोडिंग फोल्डर ऑफ विंडो मशीन और यहाँ से एक सिंगल कमांड है एस एस एच माइनस आई प्राइवेट की का नाम जिसका नाम था एनसी फ्री आपको टैप प्रेस कर देना है अभी यहाँ से मैंने की डिडलप की थी सॉरी uh, की का नाम मुझे एक बार चेक करना होगा मेरे केस में की का नाम था एन फ्री डॉट डॉट पैम ठीक है तो एस एस एच माइनस आई एन फ्री डॉट पैम इसी टू यूजर मैं क्यों टाइप कर रहा हूं क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में मशीन के यूजर नेम डिफॉल्ट होते हैं पहला लॉग इन डिफॉल्ट होता है बाद में लॉग इन करने के बाद आप चाहो तो अपना कस्टम अकाउंट बिल्डअप कर सकते हो राइट right? तो यहां से मैंने क्या किया ये पब्लिक आईपी कॉपी किया और ये सिस्टम पे जाके पेस्ट कर दिया इसको मैंने देन जस्ट यू हैव टू प्रेस प्रेस इंटर किया पूछ रहा है यस नो करो मैंने यस yes किया और फाइनली मुझे पासवर्ड टाइप करना नहीं पड़ा और नाउ यू आर लॉग इन इन टू योर एनसी वर्वर विच इज रनिंग ओवर द क्लाउड कंप्यूटिंग तो ये एक तरीका था सर्वर को लॉग करने का वाया विंडो uh, सी ठीक है ये आप यूज नहीं कर सकते तो मार्केट में कुछ और भी आते हैं सॉफ्टवेयर जैसे पुटी नाम का आता है सॉफ्टवेयर कोई भी आप यूज कर सकते हो सॉफ्टवेयर राइट तो एक मिनट के लिए अगर आपको सीएमडी यूज नहीं करना है तो मैं इसको क्लोज करके यहां से एक दूसरा मेरे पास वे और है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या पुटी क्लाइंट ऑन विंडो मशीन वाया यू कैन कनेक्ट यूर लिनक्स सर्वर ये छोटे छोटा डॉट ई एक्सी फाइल होता है जो इंटरनेट से आपको मिल जाएगा ऑलरेडी मैं डाउनलोडिंग कर चुका हूं तो आगे बढ़ रहा हूँ सीता में तो यहाँ से मुझे करना क्या है बस ये पब्लिक की मैंने जो सी में यूज की थी वो सेम पब्लिक की मुझे यहाँ पेस्ट मारनी होगी ये मेरा पब्लिक की है लेकिन मुझे बताना होगा पुट्टी को कि पुट्टी मेरी प्राइवेट की कहाँ पड़ी है इस सिस्टम पे जाने वाली लेकिन एक प्रॉब्लम है ये पुट्टी नाम का सॉफ्टवेयर है ना ये डॉट पैम को रीड नहीं करता मैं क्या बोल रहा हूँ जो फाइल आपको डाउनलोड होकर मिली है आपकी प्राइवेट की का जो एक्सटेंशन डॉट पैम है

ये एड ऑन स्टेप करना पड़ा क्योंकि आप पुटी नाम का सॉफ्ट यूज करना चाहते हो जो पैम को अंडरस्टैंड नहीं करता है कन्वर्ट कन्वर्ट हो गया कि आपका बस करना क्या आपको अब यहाँ से ब्राउज कर देना है कि पुटी आप जिस सिस्टम पे जाना चाहते हो उसकी प्राइवेट की डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है किस फोल्डर के अंदर एनसीवल फ्रेश नाम से की पड़ी हुई है डेट्स इट क्लिक ऑन ओपन कनेक्शन नाउ यू हैव कनेक्टेड विद द विद्स और बस करना क्या आपको यहाँ से लॉग इन डालना होगा राइट right. मैं इसका फॉन्ट साइज चेंज कर दे रहा हूँ जिससे आपको स्क्रीन प्रॉपर दिखेगा सो दिस इज योर एनसीबल सर्वर इसका लॉग नेम ऑलरेडी मैं बताया था आपको अभी ए सी टू हाईपन यूजर डिफॉल्ट होता है इन इन क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफ आर एच एल एट मशीन एक बार लॉग हो गया तो बाद में इसका मैं आई डी पासवर्ड भी सेट कर सकता हूँ ठीक है जो मैं लेटर ऑन करके दिखाऊंगा आपको राइट right. अभी जिस यूजर से आप काम कर रहे हो ना उसके पास कंप्लीटली सूडो पावर है लिनक्स का डिफॉल्ट जो अकाउंट होता है एडमिन अकाउंट रूट होता है या तो आप रूट से काम कर लो या रूट जो सेम पावर किसके पास है ईसी टू हाइपन यूजर तो वाया सूडो ईसी टू हाइपन यूजर कैन परफॉर्म ऑल कमांड राइट तो ये एक तरीका था पहले क्लाउड कंप्यूटिंग में लॉन्च करने का और उस बी पे लॉग करने का सो so, ये ऑब्जेक्टिव मैंने एक बाइंड कर दिया इन्फा बी बनाने का नाउ सेकेंड ऑब्जेक्टिव है वी आर गोइंग टू इंस्टॉल एन सी बल नाव इन आर एच एल एट मशीन जो क्लाउड पे होस्टेड है सेम प्रैक्टिकल वी विल डू लेटर इन लोकल लैपटॉप राइट तो एनसीबल का इंस्टॉलेशन बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं है पहले मैं एक काम कर देता हूँ सिस्टम का जो होस्ट नेम है ना थोड़ा मीनिंगफुल नाम इसको दे देता हूँ मैं इसको नाम दिया मैंने एनसीबल सर्वर एनसीबल सर्वर या तो एक बार सिस्टम को आप लोग कर लो रिज्वाइन या कमांड है बेस कमांड जिससे आपको अपना होस्ट नेम यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा राइट तो सिस्टम का होस्ट नेम चेंज कर लिया जस्ट फॉर प्रैक्टिस आपको करना हो अच्छा है तो करना वरना आप स्किप कर देना नाउ एनसीबल uh, एनसीबल हो या कोई और सर्विस हो लिनक्स में आपको मालूम होगा कि कोई भी सॉफ्टवेयर यू वांट टू इंस्टॉल उसके आरपीएम आते हैं या आते हैं पैकेजेस राइट एनसीबल बेसिकली रेडेट की जो मीडिया होती है रैल एट रैल सेवन उसके आरपीएम में डिफॉल्ट नहीं होता है वेन यू सेट अप द लिनक्स ऑफ मीडिया वायर एल सेवन रैल एट तो उसके जो आर होते हैं ना वो आरपीएम उसमें नेटिव नहीं होते हैं.

जिसको बोलते हैं ईपीएल e है जहां इंडस्ट्री में एड ऑन लिनक्स में आपको चाहिए उसके आरपीएम अवेलेबल होते हैं नीड टू रजिस्टर्ड ई पी एल विद यम हाउ टू रजिस्टर्ड ईपीएल बहुत ईजी स्टेप होता है इसका बस करना क्या आपको यू हैव टू गो हेयर ऑन गूगल एंड टाइप ई पी एल फॉर आर एच एल सेवन आर एच एल एट सेंटो सेवन जो भी आपका ओवेस हो अकॉर्डिंगली आप ई पी एल ले सकते हो तो इन माई केस मेरा सिस्टम आर एच एल एट का है तो मैं ई पी एल रेल एट पर चाहता हूँ नजिस्टर्ड तो मुझे बस ई पी एल पर जाना होगा और यहाँ से ये डॉक्स डॉट फेडोरा प्रोजेक्ट डॉट ओ आर जी ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से आप लोग ई पी एल सब्सक्राइब कर सकते हो तो पूछ रहा है कि रेल नाइन भी मार्केट में आ मार चुका है बट वी वॉन्ट इंटरप्राइज लिनेक्स एट तो यू हैव टू क्लिक ऑन एट राइट और एक कमांड अवेलेबल है यहां से बस करना क्या आपको ये कमांड यहाँ से कॉपी कर देना है और कॉपी करने के बाद लेकिन आ, हम लोग रूट से काम नहीं कर रहे हैं तो हमको इस कमांड में सूडो यूज करना पड़ेगा सूडो डीएनएफ डीएनएफ और यम अभी लिनेक्स में नहीं पढ़ा रहा आप लोगों को इतना मानो कि जो काम करते हो आप यम से जिस बंदे को डीएनएफ ना पता हो ना तो वो सिंपल यहां पर यम यूज कर सकता है यम इंस्टॉल और ईपीएल राइट right? या डीएनएफ इंस्टॉल भी कर सकता है एक ही बात है सो हैपनिंग सिंपल सा ये हमारे सिस्टम के एक पाथ में यम डॉट रेपो डॉट डी में जाएगा और वहां एक ईपीएल डॉट रेपो फाइल बिल्डअप करता है बस ये कमांड विच होल्ड योर एनसीबल पैकेज यू आर एल्स इट तो मुझे मैन्युअली यम सेटअप करने की नीड नहीं पड़ी ठीक है मेरे क्लाउड वाले वीएम पे इंटरनेट अवेलेबल था बस मैंने ईपीएल को इस कमांड से कर दिया रजिस्टर्ड तो यहाँ एक बार यस और करना पड़ेगा तो इस कमांड से एक्चुअल में हुआ क्या है एटीसी यम डॉट रेपो डॉट डी लिनक्स का बेसिक आपको यहां थोड़ा बहुत अब नीड पड़ने वाला है ठीक है अगर आपको लिनक्स नहीं आता है तो मैं इतना बोलती रहूं एम एक काइंड ऑफ यूटिलिटी है लिनक्स राइट तो जिसको आप डॉट ई फाइल बोलते हैं विंडो के अंदर हम लोग इन लिनक्स बोलते हैं इसको या पैकेजेस तो पैकेजेस का जो यू है पहले इस फाइल में अवेलेबल है वो वो अवेलेबल कहाँ से हुआ है इस कमांड के बाद हुआ है वो इतना होने के बाद बस करना क्या आपको अब आप सूडो यम इंस्टॉल एंसीबल डेट्स इट बहुत ईजी है इसका इंस्टॉलेन करना तो एक सिंगल कमांड से एनसीबल सिस्टम में क्या हो रहा है आपका इंस्टॉल्ड हो रहा है राइट? तो वी आर लर्निंग लेटेस्ट टू पॉइंट नाइन पॉइंट ट्वेंटी सेवन राइट तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया राइट right? उसके बाद एनी टू चेक कि मेरे लैपटॉप में एनसीबल है कि नहीं तो इस कमांड से आप लोग मालूम कर सकते हो कि सक्सेसफुली एनसीबल इंस्टॉल हुआ कि नहीं बाद में तो एक सिंगल कमांड है बता रहा है कि हाँ आप लोगों ने एनसीबल का 2.9 पॉइंट नाइन सेटअप वर्जन किया है इसके अंदर और दिस इज योर एनसीबल कॉन्फ्लिक फाइल्स दिस इज योर मॉडल पाथ दिस इज योर एनसीबल बाइनरी ये सब चीजें क्या है चैप्टर बाई चैप्टर हम लोग पढ़ते जाएंगे इसके अंदर राइट तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव था एनसीपल का इंस्टॉलेशन और क्लाउड में इसका सेटअप करना।, so तो करना, करना आपको आता होगा तो नहीं तो हम लोग की जो रिकॉर्डिंग वहां से भी आप इसको फॉलो कर सकते हो तो नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वियरीज में एक बार देख लेता हूँ फिर हम लोग लोकल सेटअप बनाएंगे इसका भी राइट right. अभी आप कुछ टेक्निकल क्वेरीज हैं तो आप कर सकते हो मैं चैट को देख रहा हूं मॉनिटरिंग कर रहा हूं ईपीएल ऑलरेडी आई एक्सप्लेन ईपीएल क्या होता है DNF is their latest version. हाँ दीपक आपको बेसिक लिनक्स आना चाहिए ऑलरेडी मैंने बोला था रेड का आर एस सी ऐसी जो टेक्नोलॉजी है एटलीस्ट आपको आना चाहिए नॉट फॉर एनसीबल आज के टाइम पर आईटी में अगर एज एडमिन आप काम करना चाहते इन क्लाउड कंप्यूटिंग इन ट्रैक तो लिनक्स का बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए राइट फोर फोर सेवन क्या होता है अभी मैं क्लास के एंड में समझाऊंगा ठीक है ये डाउट होल्ड है अभी एनी रीजन वाई वी आर नॉट ओवन टू ओवन कोई रीजन नहीं है एन सी वल सेम इन आर एच एल ओबन बॉस बट आर एच एल इंटरप्राइज एट द प्लेटफॉर्म है जो इंडस्ट्री में यूज करते हैं हम लोग तो ओबन आप ट्राई कर सकते हो सेम स्टेप फॉलो करना है आपको ओबन में एन uh, सी का पैकेज नेटिव होता है जस्ट यू हैव टू रन ए पी टी गैट हाइपन ए पी टी गैट इंस्टॉल एन सी ठीक है ओके सो नाउ लेट्स मूव ऑन हाउ टू क्रिएट लोकल लैब लोकल लैब बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट सर एक ही लैपटॉप में तीन बी एम एक्सपिन कैसे करोगे आप तो सबको मालूम होगा कि इंडस्ट्री में एक वर्चुअलाइजेशन अवेलेबल है जिसको बोलते हैं हम लोग हार्डवेयर वेस्ट वर्चुअलाइजेशन विच प्रोवाइड बाई वीएम

राइट right? यहां से अपना एक आई डी साइनअप करके आप तो डाउनलोडिंग कर सकते हो ठीक है सो मेरी साइड से आपके पास पहले एक वीएम वेयर या वर्चुअल वर्क कोई एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड एक छोटी एक्सी फाइल है उसको रन कर देना क्लिक 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 करते आना है वो सेटअप हो जाएगा सो इन माई केस ऑलरेडी हैव मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी वीएम वेयर पहले से इंस्टॉल्ड है दिस इज माई राइट right? तो वंस यू क्लिक ऑन वी एम बी आर वर्क स्टेशन तो पहला विंडो ऐसे ओपन होगा आपके सामने उसके बाद क्या करना होगा आगे बताऊंगा अभी तो एक फाइल वीएम की आपके पास होनी चाहिए और सेकेंड फाइल आई एसओफ आरचीएल सेवन एट या सेंटोस या वन टू तुम्हारे पास पहले एक आई एसओ होनी चाहिए जिसके थ्रू आप लोग कर पाओगे राइट right? ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इंटरनेट से ही अब डाउनलोड काफी पब्लिक लिंक अवेलेबल आदर यू कैन डाउनलोड सेंटोस जो फ्री अवेलेबल है मार्केट में सेंटोस एट डाउनलोड सिंपल सा आप जाके डाउनलोडिंग कर सकते हो इसका साइट right? ये भी सेम काम ये लैब में आप यूज कर सकते हो इसको भी सेम काम करता है जैसे आरचल काम करता है वैसे सेंटोस काम करता है तो यहां से आपको ये मिल जाएगा बेसिकली ठीक है तो सेटअप को लोकल बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव वीएमवेयर एंड सेकंड यू शुड हैव आई एसओ मेरे पास दोनों चीज पहले से अवेलेबल है VMware भी अवेलेबल है और आई एसओ भी अवेलेबल है सो नाउ डायरेक्टली वी आर गोइंग टू स्पिन क्लाउड में यह था कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना नहीं पड़ा था क्लाउड ऑलरेडी आपको ए एम आई बना के दे रहा था लेकिन यहां मुझे एक काम करना है पहले जल्दी से एक मशीन सेटअप करके मैं आपको दिखा रहा हूँ सिमिलियर आप लोग दो बीएम सेटअप और कर लेना ठीक है तो बस करना कि आपको क्रिएट न्यू मशीन कहा जाना होगा डायरेक्टली क्रिएट न्यू बी एम पे जाना होगा देन क्लिक ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें कुछ भी आपको ऑप्शन कस्टमाइज नहीं करना है वी आर नॉट लर्निंग बी एम ना तो मैं जल्दी से जो स्टेप डिफॉल्ट आ रहे हैं उनको कर रहा हूँ चूज नेक्स्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट मेरे पास आई थिंक uh, जो आई पढ़ा पड़ा हुआ है अभी लेट मी चेक मेरे पास रेल एट अवेलेबल है ठीक है तो आई एम टेकिंग रैल एट रैल एट सिक्सटी फोर बिट क्लिक ऑन नेक्स्ट ये पूछ रहा है सिस्टम का नाम आप क्या रखना चाहते हो तो कोई भी नाम आप लोग एनसीपल सर्वर पूछ रहा है कि वेयर यू टू वेटअप आपकी मशीन में एक विंडो चल रहा है ऑलरेडी और उसी सेम हार्ड डिस्क में यू वॉन्ट टू पुट लेनेक्स सर्वर तो एक बीस जीबी का एक छोटा स्पेस आपको अलग से लेना पड़ेगा इसके लिए पहले किसी ड्राइव से तो मैं किसी भी ड्राइव का पाथ यहाँ डिफाइन करूंगा जिस पाथ में मेरा लिनक्स क्या होगा सेटअप होगा तो आई एम चूजिंग एफ ड्राइव और यहाँ पे मैं एक अलग से फोल्डर बिल्डअप कर दे रहा हूँ एनसीबल लेट प्रोसेसिंग प्रोसेसर एक ही इनफ है ठीक है अभी मेमोरी टू जी बी इनफ है मेरे पास अवलेबल है तो वन जी बी ले रहा हूँ टू जी बी सॉरी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वन जी बी आप ले सकते हो थोड़ा सा मेरा सेटअप फास्ट होगा तो मैं और इसकी मेमोरी एक्सटेंड कर दे रहा हूँ क्लिक ऑन नेक्स्ट अडेप्टर अभी यहाँ से आपका डिफॉल्ट जो भी आ रहा है नेट ब्रिज राइट उसको छोड़ दो आपसे क्लिक ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट ठीक है डिस्क का टाइप वैसे अभी मैं जो ले रहा हूं टाइप वो ले रहा हूं एसकेजी कोई इसका रीजन नहीं है आप एसकेजी ले चलना आप लोग भी क्लिक ऑन नेक्स्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट बीस जीबी का डिस्क मैं प्रोविजन कर ले रहा हूं हालांकि दस जीबी इनफ है बट ठीक है मैं ट्वेंटी जीबी स्पेस चल रहा हूँ लेके क्लिक ऑन नेक्स्ट 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 फिनेक्स तो सिमिलर क्लाउड कंप्यूटिंग की तरह हम लोग एक लोकल लैपटॉप में भी एक बीएम सेटअप कर चुके हैं बट इसमें OS अभी इंस्टॉल नहीं है तो एक स्टेप हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा पहले लेकिन सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंस्टॉलिंग आर एच एल एट तो उसके लिए पहले मुझे सी डी को इंजेक्ट करना होगा मेरी जो आई एस ओ है ना उसको मुझे वी एम बी एड से अटैच करना होगा पहले सो यू हैव टू क्लिक हेयर सी डी डी बी डी यहाँ आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से बस आप करना क्या है यूज योर आई एस ओ इमेज यू हैव टू ब्राउज बताना होगा कि आपकी आई एस ओ फाइल सिस्टम में कहा रखी हुई है क्लिक ऑन नेक्स्ट ओके राइट फाइनली so एक बीएम सेटअप कर सकते हैं अब हम लोग लिनक्स उसमें अटैच कर दिया देन क्लिक ऑन पावर ऑन बटन सो इंस्टॉलेशन अभी यहां से आपका स्टार्ट हो गया ओके right. okay. तो बाद में आप इस इस बीएम की क्लोनिंग कर सकते हो अगर आप तीन बीएम सेटअप नहीं कर, कर सकते तो एक तरीका होता है क्लोनिंग करने का भी वो मैं आपको बता दूंगा राइट right. तो थोड़ा सा टाइम को सेव करने के लिए मैं एक काम करता हूं मैं ऑलरेडी एक रेल एट का मशीन सेटअप कर चुका हूं ठीक है तो इंस्टॉलेशंस को मैं अभी रनिंग छोड़ देता हूं और ऑलरेडी जो बीएम सेटअप है उस बीएम को ऑन करके देन लेट्स सी हाउ टू इंस्टॉल एंसिबल देयर राइट क्योंकि ये इंस्टॉलेशन फाइव टू टेन मिनट कम से कम लेगा हमारे लिए तो उतना वेट ना करके ऑलरेडी बी सेटअप हो चुका है मेरे पास मैं उसको यूज करने वाला हूँ तो पहले जब तक मैं इंस्टॉलेशन इसका रनिंग छोड़ देता हूँ करके एक बार तो यहां से बस करना क्या आपको ये लैंग्वेज पूछ रहा है बहुत इजी है इसका इंस्टॉलेशन करना यहाँ से क्लिक कर दो लैंग्वेज इंग्लिश कंटिन्यू कीबोर्ड डिफॉल्ट इंग्लिश यूएस आ रहा है कुछ भी आपको मॉडिफाई नहीं करना है लोकल मीडिया अवेलेबल है ठीक है देन पार्टीशनिंग पार्टीशनिंग इन लिनक्स लिनक्स सो में आपको अगर नहीं आती करना तो दे आर प्रोवाइडिंग ऑटोमेटिक दे विल ऑटोमेटिक रूट बूट स्वैप जो बनाना उनको तो आपको कस्टम नहीं करना पार्टीशनिंग ऑटोमेटिक का ऑप्शन चूज करना होगा क्लिक ऑन डन लैंग्वेजेस सॉफ्टवेयर लिनक्स आई वॉन्ट विद यू आई मिनिमल भी आप सेटअप कर सकते हो अगर आपको लिनक्स में डेस्कटॉप चाहिए ग्राफिकल देखना है लिनक्स का तो ये जी वाई ऑप्शन आप चूज करना है यहाँ से आप लोग एक इसमें लास्ट ऑप्शन है नेटवर्किंग का बस सिस्टम का नेटवर्क कार्ड आपका बंद पड़ा हुआ है बंद होने से आईपी आपको मिलने वाला नहीं सिस्टम के ऊपर तो यहाँ से बस करना है कि आपको क्लिक ऑन ऑन इस बटन को ड्रैक कर देना है ऑन कर देना है और मेरे सिस्टम में इंटरनेट चल रहा है ऑलरेडी पहले से ऑन विंडो लैपटॉप तो सेम मेरे मॉडर्म से इस पर भी इंटरनेट का हो गया है चलना स्टार्ट हो गया है Later on you can change, otherwise यहां भी आप नाम कर सकते हो. Installation. Linux का I think सब जानते आप लोग सुपर अकाउंट रूट होता है ये मशीन अपना है तो इसका पासवर्ड हम ही सेट करेंगे क्लाउड में तो पासवर्ड आपको बाय डिफॉल्ट की मिला था बट यहाँ पासवर्ड सेट करना पड़ेगा तो कोई भी एक पासवर्ड मैंने सेट कर दिया इसके अंदर डबल क्लिक डन कर देना है पूछ रहा है कोई कोई गेस्ट अकाउंट यू वांट टू क्रिएट ठीक है एक राम नाम का मैंने गेस्ट अकाउंट बिल्डअप कर लिया सो so, फाइनली एक मशीन इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो गया इंस्टॉलेस को मैं रनिंग छोड़ देता हूं और ऑलरेडी रेल एट का एक मशीन मेरे पास अवेलेबल है इस मशीन को लॉग करके इंस्टॉलेशन हम करेंगे एन का राइट vm स्पिन हो रहा थोड़ा सा टाइम लेगा ये राइट तो नॉट लिस्ट पे जाना होगा देन क्लिक ऑन रूट और पासवर्ड इज व्हाटएवर वन टाइप कर दिया मेक श्योर आपके लोकल लैपटॉप में लोकल vm पे पहले इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए राइट right. तो so, पहले यहां से मैं मालूम कर लेता हूं एक बार ये लिनक्स का आ गया टर्मिनल ठीक है यहां से मैं एक बार पहले वेरीफाई कर लेता हूं कि मेरे सिस्टम पे इंटरनेट है कि नहीं तो इस पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो आपको एक काम करना होगा यहां से देखो इसका जो अडेप्टर कार्ड है ना इसका जो अडेप्टर कार्ड है आपको सबको दिख रहा होगा दिस वन एक मिनट के लिए आपको एक काम करना होगा ये 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 जो कार्ड आपका बिलिंग कर रहा है ना ग्रीन कार्ड ठीक है यहां से आपको राइट क्लिक करके इसकी सेटिंग चेंज करनी होगी यू हैव टू क्लिक नेट राइट नेट करने के बाद देर माइट भी इंटरनेट चलना चाहिए मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ फिर भी नहीं आया इंटरनेट तो एक काम करना आप लोग सिस्टम सी टी एल री स्टार्ट नेटवर्क नेटवर्क की सर्विस में अवेलेबल नहीं है कोई नहीं तो फिर एक काम करना आप लोग कनेक्शन एनएमसीएल कोई कनेक्शन ऑलरेडी पहले से बना हुआ है स्टैटिक आईपी का और मुझे नेट का डायनेमिक आईपी चाहिए या तो मैं इसमें एक इंटरफेस इंटरनेट का अलग से ऐड कर लू वो भी तरीका अवेलेबल है या मैं एक काम कर देता हूँ इस पहले वाले कनेक्शन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एक कमांड है लिनक्स में कनेक्शन डिलीट और कनेक्शन का नाम ये कनेक्शन का नाम हो गया Now I am creating new connection. nmcli connection add connection name कोई नाम आप ले सकते हो. xyz सपोज नाम लिया मैं internet. Net बताओ interface का नाम क्या है? तो ये मेरे laptop का interface है. ens160 ठीक है. Type इसका ethernet है और automatically ऑटो कनेक्ट यस कर दिया मैंने कि जब जब मैं सिस्टम को रिबूट करूं और मेरा नेटवर्क कार्ड अपने आप क्या जाए आप आ जाए. कनेक्शन सक्सेसफुली एड हो गया देन लेटर ऑन कनेक्शन सी एल आई आप एक कमांड और रन करनी पड़ेगी आपको इससे क्या हुआ मेरे सिस्टम पे मेक श्योर sure हो जाओ पहले एक बार कि इंटरनेट आया कि नहीं अभी तो फाइनली क्या हो गया इंटरनेट कनेक्टिविटी आना स्टार्ट हो गई राइट अभी सिस्टम का आईपी जो है मैं यहां से पहले एक बार चेक कर लेता हूं ये मेरे सिस्टम का आईपी है वन नाइन्टी तो ये टर्मिनल या तो मैं वी में अंदर काम करूं बैठ के या फिर मैं अपने बेस मशीन से बैठ के इसको भी क्लाउड की मशीन का मैं सेशन आ, क्लोज कर देता हूं अभी काम का नहीं है और यहां से एक नया सेशन ओपन कर लेता हूं मैं फॉर लोकल मशीन इसका आई पी है वन नाइन्टी टू आई थिंक लोकल से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर मुझे लेटर ऑन चेक करना होगा ठीक है तो मैं इसको अभी क्रॉस करके यहाँ से मैं लोकली काम कर लेता हूँ यहाँ से बैठ के ठीक है तो ये मेरे सिस्टम का हो गया टर्मिनल और ये मुझे यहाँ से पहले ई पी करना है इसके अंदर भी सेम रेपोजरी जो आपने क्लाउड की बी पे ऐड किया था सो यू हैव टू क्लिक ऑन ब्राउजर ये आपका ब्राउजर है यहाँ जाना होगा आपको राइट right? और यहां पे दोबारा टाइप कर दो ईपीएल फॉर आर एच एल एट तो सेम इंस्टॉलेशन है क्लाउड का भी सेम लोकल में भी तो ये रेल एट का ईपीएल यहां से ऐड करना होगा और ये जो रेपोलेटरी का यूआरएल है यहां से कॉपी किया मैंने और कॉपी करने के बाद रन कर दिया मैं लोकल सिस्टम में रूट से काम कर रहा हूं तो मुझे रूट uh, सूडो लिखने की नीड नहीं है सिंपल सा जो same command है ना, वही आपको रन कर देना है क्लिक ऑन यस एपीएल राइट तो इससे भी क्या हुआ सेम प्लेटफॉर्म पे आपका एक रेपो क्या हो गया है बिल्डअप हो गया राइट देन यू हैव टू रन सेम कमांड एन सी बल इंस्टॉलेसन तो थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है टाइम लेगा ये मीन टाइम में कुछ क्वेरीज को लेता हूं वरुण भारत तो आज ऑलवेज कन्फ्यूज विद पैकेज पैकेज एक लिनक्स में कॉमन वर्ड है हर चीज को पैकेज बोलते हैं पैकेज का मतलब होता है कोई चीज को आपने बंडल पैक कर दिया सेट ऑफ फाइल्स को आपने एक बंडल के अंदर पैक कर दिया आर यूजिंग आर पी डेट पैकेज मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ आर एच फैमिली पैकेज RPM, that, that so package, ऐसा बोलो या वी आर स्टॉलिंग आर पी एम्स बोथ आर सेम थिंग राइट

एक रेपोजेटरी बना हुआ है हाँ मैंने कभी किसी प्रैक्टिस परपस से ना किसी और परपज के लिए एक ऑलरेडी पहले से अप किया है इसके अंदर जिसमें पाठ दे दिया है कि मेरे कुछ आरपीएम से लोकल सिस्टम पे अवेलेबल है कुछ आरपीएम पी जैसे ई से उठा रहे हो आप लोग ना तो जिस मीडिया से आपने सिस्टम सेटअप किया है कुछ आरपीएम आपके लोकल डीबीडी में अवेलेबल होते हैं तो मैं मैंने लोकल डीबीडी के पैकेज को उठाने के लिए एक अलग से एवीसी डॉट रेपो नाम की फाइल कभी बिल्डअप की होगी किसी परपस के लिए राइट लेकिन हो, हो क्या रहा है मेरी डीवीडी जो है ना वो एम पे अवेलेबल नहीं है तो ये स्टेप आपको करना पड़ेगा ध्यान रखना इस पाथ में जाके आपको सेम फाइल बिल्डअप करनी पड़ेगी ये वाली फाइल और उस फाइल में ये सेम कंटेंट आप पेस्ट मार देना और एक काम और कर देना लास्ट नंबर खाली एक कमांड और माउंट डीवीडी का नाम स्लेशम एन टी इस कमांड से क्या हो गया है लिनक्स का जो आई एस था मेरा वो आपके सिस्टम में एम एन टी फोल्डर पाके माउंट हो गया है ये माउंट करना जरूरी है क्यों पता है क्योंकि लोकल मशीन में जब एनसीबल डालते हैं ना हम लोग तो कुछ आरपीएम ऐसे हैं जो प्रॉब्लम करते हैं जो ईपीएल में भी अवेलेबल नहीं है तो वो आरपीएम ये डी बी डी से पिक कर लेगा अपने आप राइट तो एक स्टेप एक्स्ट्रा और करना है आपको लोकल में ईपीएल तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा प्लस एक रेपो फाइल बिल्डअप करनी होगी जिसमें यू नीड टू इंजेक्ट कि लोकल सिस्टम में डीवीडी कहाँ माउंटेड है और इस सेम लाइन आपको कॉपी पेस्ट स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेम लाइन आपको पेस्ट मार देना उठा के अपनी फाइल के अंदर देन नाउ यू हैव टू रन एनसीपल इंस्टॉल यू हैव इंस्टॉल एनसीपल सो फाइनली इट इज इट इज इंस्टॉलिंग नाउ ईपीएल से कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं ऐसे नहीं बोलेंगे मैक्सिमम पैकेज अवेलेबल इन ईपीएल बट एवरीथिंग नॉट अवेलेबल सब कुछ ईपीएल में होगा तो फिर रेड से हम सब्सक्रिप्शन क्यों लेंगे फिर तो राइट right? कुछ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी आती है मार्केट में वो अवेलेबल है उसके अंदर तो लोकल में ये सेटअप थोड़ा टाइम ले रहा है उनी में राइट right? ठीक है मेन टाइम मैं कुछ बातें बोल देता हूँ ये दो दिन का क्लास आ, आज टाइम हो गया तो नाइन थर्टी तक का सेशन सॉरी नहीं एट थर्टी टू टेन था राइट हाँ बट आ, अब एक्चुअल में कंसेप्चुअल चीजें स्टार्ट होने वाली हैं इसके बाद तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आज का सेशन थोड़ा सा हम लोग जल्दी बाइंड अप करेंगे और फिर नेक्स्ट ट्यूजडे से वही सेम हम लोग एट थर्टी से स्टार्ट करेंगे विद प्रैक्टिकल अब एनसीबल में डीप काम डेली इंडस्ट्री में कैसे होता है कमिंग चैप्टर्स ठीक है तो आप सब लोग सेटअप रेडी करके पूरा क्लाउड में लोकल में जैसा भी आपको अच्छा लगे ठीक है तीन मशीन सेटअप करके एनसीबल डाल के पूरा रेडी रखना आप लोग राइट तो फिर कमिंग क्लास में हम लोग इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट कर पाएंगे ओके सो फाइनली इंस्टॉलेशन लोकल में भी कंप्लीट हो गया आपका ठीक है ठीक है तो ये सेटअप लोकल का बाइंड अप हो गया और आज का सेशन अभी मैं यहीं स्टॉप कर दे रहा हूँ